क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। 200 पाकिस्तान बनाम कनाडा के बीच में न्यूयॉर्क के मैदान पर वर्ल्ड कप 2024 का 22वां मुकाबला भी समाप्त हुआ। 200 टॉस जीता बाबर आजम ने और टॉस जीते ही गेंदबाजी को चुना। पिच को मद्देनजर रखते हुए कनाडा की तरफ से नवनीत और एरन जॉनसन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोनों के बीच में सिर्फ जॉनसन ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने ताबड़तोड़ 12 रन जड़े पहले ओवर में शाहीन शाह आफरीदी के सामने, लेकिन दूसरे सलामी बल्लेबाज नवनीत आमिर के ओवर की पहली गेंद पर हो गए क्लीन बोल्ड, जिसके चलते मात्र 4 रन बनाकर नवनीत दहिवाल 4 रन बनाकर हुए आउट। उनके बाद आते ही प्रजात सिंह भी शाहीन शाह आफरीदी की गेंद पर ऐसे बैठे। पीछे फखर जमान ने स्लिप में शानदार कैच को समाप्त किया। 200 प्रजात सिंह भी 2 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम को 2 ब्रेक थ्रू मिल चुके थे और तीसरा ब्रेक थ्रू मिला निकोलस कीटन का, जो कि सिंगल चुराने के पीछे दौड़ पड़े। अहमद वसीम ने मार दिया डायरेक्ट थ्रो, सिंगल भी नहीं चुरा पाया बल्लेबाज अहमद वसीम, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यह है वो खिलाड़ी जिन्होंने इनको रन आउट किया 1 रन पर 6 गेंदों में। 200 के बाद अगली विकेट गिरी सरिया से। 200 विकेट कीपर बल्लेबाज से श्रेयस मोया, हारिस रऊफ की गेंद रिजवान ने कैच को लपका, जिसके चलते भी 0 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ ने बैक टू बैक झटके दिए कनाडा की टीम को, लेकिन उसके बावजूद भी पहले सलामी बल्लेबाज जिन्होंने शुरुआत अच्छी दिलाई थी वन तक बल्लेबाजी करते रहे और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया 37 गेंदों में। लेकिन जैसे उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, नासिम शाह की संदर आती हुई गेंद पर वो हो गए क्लीन बोल्ड, लेकिन एक अर्धशतक की पारी खेल कर ही आउट हुए। 52 रन बनाकर 44 गेंदों में एक दिशा ही पारी खेल कर कनाडा की इज्जत बचाकर आउट हुए जॉनसन, लेकिन उनके बाद कोई बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया। खुद कप्तान जफर भी 10 रन बनाकर आउट हुए और अंत में कलीम सना ने 13 रन बनाए, जिस गलते मात्र 106 रन ही बना पाई। जी हां दोस्तों, अपने निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 106 रन ही बना पाई 7 विकेट खोकर कनाडा की टीम। ऐसे में 120 गेंदों में सिर्फ 107 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की तरफ से रिजवान व सैम अयूब की नई सलामी जोड़ी आई। बाबर आजम को रेस्ट मिला, दोनों ने मिलकर इस बार शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन सैम अयूब ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए क्योंकि दिल्लौन की इस बाहर जाती हुई गेंद पर एस जे बैठे, बड़ा सा एस जे बैठे और पीछे श्रेयस मोया जो की विकेट कीपर है, उन्होंने इस तरह से कैच को लपका और पहले सलामी बल्लेबाज सैम अयूब 6 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट। लेकिन फिर तीसरे नंबर पर आए बाबर आजम और इन्होंने पाकिस्तान की गाड़ी को पहले सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ाया। दोस्तों जैसे इन दोनों की पार्टनरशिप मैदान पर हुई, कनाडा इस मुकाबले में काफी पीछे चली गई क्योंकि स्कोर तो काफी छोटा था और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो कर ही रहे थे दोनों, क्योंकि गेंदें भी ज्यादा थी, रन भी काफी कम थे। 53 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी इन दोनों ने जर्दी थी। कप्तान बाबर आजम 33 रन पर आ चुके थे, तभी डिल्लौन की इस अगली ही गेंद पर बाबर आजम फिर से एस जे बैठे, जैसे उन्होंने बुमराह की गेंद पर दिया था और इस बार भी उनकी कैच लपक ली गई। 33 रन बनाकर 33 गेंदों में कप्तान बाबर आजम आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी रिजवान ने इस मुकाबले में हार नहीं मानी। पिछला मुकाबला तो उन्होंने छोड़ दिया था बीच में ही आउट होकर, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन ये T20 क्रिकेट का सबसे धीमा अर्धशतक था। उनके बाद फखर जमान आए तो थे, 3 रन चाहिए थे 17 गेंदों में, लेकिन वो एस देकर आउट हुए। 200 अंतिम 16 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की दरकार थी और उस्मान खान ने 2 रन लेकर 7 विकेट से पाकिस्तान को विजेता बनाया। जी हां दोस्तों, 17वें ओवर में 7 विकेट से मुकाबला जीत गई पाकिस्तान की टीम। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन लगाए 53 गेंदों में, जिससे चलते अभी भी पाकिस्तान सुपर 8 की रेस के लिए जिंदा है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान की जीत को 10 में से कितना